दोस्तों आज मेरे पास बहुत बड़ी मुसीबत है मेरे सामने, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, शासन प्रशासन से मेरी गुजारिश है, मेरे बच्चे बचा लो, मेरी मदद करो। मैं आर्मी में हूँ, मैं फौजी आदमी हूँ, मेरी औरत एक गुंडे के साथ में भाग गई घर से, आज 3 दिन हो गए और उल्टा उसने मेरे घर वालों को फंसा दिया। हम इटावा में रहते थे किराए पे, तो मेरे भाई बाप चाचा सब सामान भरने के लिए गए, तो वो गुंडे लेके आई, उसने सभी को पिटवाया। मेरे बाप को फ्रेंड्स कॉलोनी ने थाने में बंद करा दिया कि ये दलाल गुंडा चोर है और ये मेरा आदमी है। उस गुंडे को बताया पिंटू हरिओम नाम है, गरा का रहने वाला है। उसका इतिहास देख लिया जाए पूरे डिस्ट्रिक्ट में हर थाने में उसके नाम एक बड़ी से बड़ी FIR है, कम से कम 10 मुकदमे है उसके ऊपर। मेरी औरत को ले गया वो, मेरी औरत उसके साथ गई, मेरी बहन का जेवर रखा था 7 लाख रुपए का मेरे घर में, वो ले गई। एक प्लॉट करा दिया था 15 लाख रुपए का मैंने अगस्त के महीने में उसके नाम, वो भी उसी के नाम है। सब कुछ ले गई, हमें कोई परवाह नहीं। मेरे बच्चों को छुड़वा लो, बच्चों को बस निकाल लो, मेरे बच्चे मेरे मम्मी पापा के पास में है गाँव में, वो निकलने नहीं दे रहे कि घर से निकालोगे तो बच्चों को गोली मार दूंगा। अब मैं बच्चों को छोड़ के कहीं जा नहीं सकता हूँ, मेरे पीछे भी गुंडे लगे हैं मारने के लिए। बोल रहा है कि इसको मरवा दे 1.5 करोड़ रुपया मिलेगा, हम तुम ऐश करेंगे दोनों। इसके घर वाले भी, इसका बाप, इसके पिताजी पुलिस में दरोगा है मैनपुरी में, वो भी ढूंढ रहे, मिल नहीं रहे, उसी के साथ में मेरे पीछे पड़े। मैं बच्चों को छोड़ के कहीं जा नहीं रहा हूँ, बच्चे मेरे गाँव में फंसे, मैं राव यार का रहने वाला हूँ। मेरी मदद करो मीडिया के लोगों, भैया जो इतना शेयर करो। भरतना आई उस गुंडे को लेके, तो भरतना पुलिस ने मेरे खिलाफ, मेरे बाप के खिलाफ FIR लिखा दी, जो पेपर की कटिंग मेरे पास है उसमें लिख दिया कि 3 दिन से मुझे कमरे में बंद कर, न इसे कहीं कमरे में बंद किया, न मेरी औरत को उस गुंडे ने इतना मारा है घर में बंद कर करके, सारी देख काली पड़ी। तो उसने मुझे बताया कि मुझे बहुत मारता है, मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और आपको मारने के लिए मुझसे कह रहा है, जहर मिलाने के लिए और बच्चों को मारने के लिए कह रहा है। तो जब उसने ले गया तो उसने बताया, तो मैंने ऐसे डांटा फटकारा, उस समय मैं घर छोड़ के निकल आया, तो ये घर से भाग गई कि मैं बच्चों को नार में फेंक दूंगी। तो पापा चाचा मेरे पकड़ के लाए, मैं तो ग्वालियर भाग गया था इसको छोड़ के, और तूने मेरे साथ बहुत बुरा किया। तो उस गुंडे ने पुलिस भरतना थाने में फोन किया, उसने पुलिस गई तो पुलिस के सामने बोली कि मेरे साथ ये मारपीट कर रहे, मेरे साथ उसने कुछ नहीं किया। पुलिस भरतना थाने में ले आई और उल्टा मेरे खिलाफ केस कर दिया, और पुलिस ने उसी गुंडे को दे दी कि तू ले जा इसको, वो लेगा अभी भी उसी के साथ में है, सब कुछ लेके फिर रो गई। दोस्तों मेरी मदद करो, मैं चाहता हूँ मेरी, मुझे उस औरत की जरूरत नहीं, बस इतना हो जाए अगर उसे कोई कहीं मार देता है, कहीं मर जाती है, तो उसके जिम्मेवार हम नहीं होंगे, न मेरा बाप होगा, न मेरे भाई होंगे, कोई नहीं होगा उसका जिम्मेवार। बस इतनी मेरी मदद करो, मेरे बच्चों को निकलवा दो फोर्स से, मेरी मदद करवा दो, मेरे बच्चों को वहां से निकाल लो, मैं बच्चों के लिए जिंदा हूँ, बस मेरे बच्चों को निकलवा के किसी तरह से ग्वालियर पहुँचा दो, मैं ग्वालियर में तैनात हूँ। उस औरत की मुझे कोई जरूरत नहीं रही जो दूसरे के साथ है, उसने अपने भाई की पकड़ करवा दी पैसे के खातिर, इकलौता भाई था मेरी औरत का। उस लौंडे ने कहा कि तू अपने भाई की पकड़ करवा दे, 20 लाख रुपए लेना है तेरे बाप से, तो उसने उसे पकड़वा दिया। लेकिन वो लड़का जैसे तैसे भाग के निकल गया उस चुंगल से। अगर मैं ये झूठ कह रहा हूँ तो उसके बाप को पूछ लिया जाए। मेरी मदद करो दोस्तों, ऐसा शेयर कर दो, मैं संतुलन को बैठा हूँ अपना बहुत बुरी तरह से उस नागरिक के लिए। दोस्तों मेरी मदद करो, कप्तान साहब से मेरी रिक्वेस्ट है, कप्तान साहब तक वीडियो पहुँचा दो, इसकी जांच की जाए इसमें क्या है, बस मैं बच जाऊँ। अगर उसके कहीं कुछ हो गया तो मेरी नौकरी खा जाएगी, उसके बाप घर वाले मुझे फंसा देंगे, झूठा फंसा देंगे कि उसने मेरी भी लड़की को मार दिया है। मैं बच जाऊंगा, अब वो मार देगा जो ले गया है, वो 5-10 लाख का जेवर ले गई, उसको लेने के बाद वो उसे मार देगा, उसको नहीं छोड़ेगा। जय हिंद, इसको शेयर कर दो मुख्यमंत्री तक, पहुंचा दो ये शासन तक।
जय हिंद दोस्तों।